नमस्कार मित्रों, हूँ मोहन गढ़वी। गुजराती दुनिया यूट्यूब चैनल में फरी एक बार आप सबनों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, लो प्रेशर सीस्टम की असर ने कारण गुजरात में छेला 24 कलाक में 84 थी वधारे तालुकाओं में वरसाद पड़ो है। गई काले 10 तारीख रोज जम आप आगळना वीडियो में जणाव्युं हतुं एवी ज रीते उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात केटलाक विस्तारों में सारो एवो वरसाद जोवा मळ्यो छे। आनी साथे सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरातना विस्तारों में पण वरसादी झापटाओ यथावत रह्या छे। छेला 24 कलाकों में साबरकांठा, अरवली, गांधीनगर, मेहसाणा, पाटण, खेड़ा अने आणंद जिला में 2 इंच थी वधारे वरसाद थयो छे। गुजरातना घणा बधा विस्तारों में हजी पण आगामी 2 दिवसों सुधी हळवो मध्यम वरसाद चालू रहेशे एवी आगाही करवामां आवी छे। तो हवे आगामी 2 दिवसों में गुजरातना कया कया जिल्लाओं में वरसादनी आगाही छे, अने जेम के आपणे गई कालना वीडियो में जणाव्युं हतुं के बंगाळनी खाड़ी में वधु एक लो प्रेशर सीस्टम बनशे, तो बिल्कुल एवी ज रीते आजे बंगाळनी खाड़ी में लो प्रेशर सीस्टम बनवानी शुरुआत थई गई छे। तो हवे आजे नवी लो प्रेशर सीस्टम बनी रही छे ई गुजरात पर क्यारे आवशे अने गुजरात में आनो असर केवो थशे। मित्रों, आवा तमाम प्रश्नों पर आजना आ वीडियो में आपणे खूब ज विस्तारपूर्वक बात करवाना छीए, माटे आ वीडियो ने छेले सुधी जोवा तेमज लाइक अने शेर करवा खास विनंती। मित्रों, आजनो आ महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करिए ए पहेला तमने जणावा मांगीश के जो तमे आ चेनल उपर पहली वार आव्या छो तो हमणा ज आ चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। सब्सक्राइब कर्या बाद बाजू में जे बेल आइकन जे घंटड़ीनो निशान आवे एने दबावी नाखजो, जेनाथी अमारा दरेक वीडियो नी माहिती तमने नोटिफिकेशन ना माध्यम थी मळती रहे। तो चालो आजनो आ महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करिए। मित्रों, आज 11 तारीख ना रोज आ महीना नो बीजो लो प्रेशर सीस्टम बंगाल नी खाड़ी में बनवा जई रह्यो छे। लो प्रेशर सीस्टम सक्रिय थया पछी आगामी 24 थी करी अने 48 कलाक में आ लो प्रेशर सीस्टम एक वेलमार्क लो प्रेशर सीस्टम में फेरवाई सके छे। हाल सुधी में लो प्रेशर सीस्टम गुजरात में वधारे असर करशे एवुं नथी जणातुं, पण आगामी 14, 15 अने 16 तारीख में गुजरात ने अनुकूल वातावरण साथे सारो वरसाद आपी सके छे। वेधर चार्टना मॉडल अनुसार बात करिए तो आज थी पहला 8 तारीखे जे सीस्टम आवी छे ए गुजरात राजस्थान बॉर्डर लागूना जे विस्तारों छे एमना उपर हजी पण सक्रिय छे। गुजरात नजीक राजस्थान उपर रहेली लो प्रेशर फरी एकवार गुजरात उपर आवी सके छे अने गुजरात ने सारो वरसाद आपी सके छे। मॉडलो एवुं जणावी रह्या छे कि 14-15 तारीखमां आ सीस्टम फरी एकवार राजस्थानथी उत्तर गुजरात उपर आवी सके छे। જ્યાર સુધી જૂની સિસ્ટમ ઉત્તર ગુજરાત ઉપર પહોંચશે ત્યાર સુધીમાં બીજી સિસ્ટમ પણ પહોંચી આવશે અને ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ આપશે। આ બંને લો પ્રેશર સિસ્ટમો ભેગી થશે છતાં પણ મજબૂત નહીં હોય, પણ અનુકૂળ વાતાવરણો મળતા આ બંને સિસ્ટમો હજી પણ સારો વરસાદ આપી શકે છે। હવામાન વિભાગે આગામી 5 દિવસો સુધી ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી આપી છે। गुजरात में आगामी 13-14 तारीख पछी फरी एक बार वरसाद नो जोर वधी सके छे। हाल में आगाही अनुसार आगामी 2-3 दिवसों सुधी दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र अने उत्तर गुजरात में वरसादी झापटाओ रही सके छे। आज नवी लो प्रेशर सीस्टम आवशे ए आजे सवारनी अपडेट अनुसार बंगाळनी खाड़ी में सक्रिय बनी गई छे અને આવનારા 12 થી 18 કલાકોની અંદર અંદર આ લો પ્રેશર સિસ્ટમ આગળ વધી અને લો પ્રેશરમાંથી ડિપ્રેશન સુધી જશે, મતલબ કે આ જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે એ મિની વાવાઝોડાના સ્વરૂપે જોવા મળશે। આ જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનવા જઈ રહી છે એ આ વર્ષની સૌથી મોટી લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે। લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય બન્યા બાદ આ સિસ્ટમ એક વેલમાર્ક લો પ્રેશર સિસ્ટમમાં રૂપાંતરિત થશે અને એના પછી ડિપ્રેશનનું રૂપ ધારણ કરશે। આ સિસ્ટમ મધ્ય ભારત અને ઉત્તર ભારતના ઘણા ભાગોમાં ખૂબ જ સારો વરસાદ આપશે। જેમ કે તમને પહેલે જણાવ્યું એમ હાલમાં ઉત્તર ગુજરાત, રાજસ્થાન લાગુના જે વિસ્તારો છે એમના ઉપર હાલમાં નબળી સામાન્ય લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય છે, જેના લીધે ગઈકાલે ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના અમુક વિસ્તારોમાં હળવો મધ્યમ વરસાદ જોવા મળ્યો હતો। હવે જો આપણે આવનારી લો પ્રેશર સિસ્ટમની અસર વિશે વાત કરીએ તો હાલમાં ગુજરાત ઉપર જે લો પ્રેશર સિસ્ટમની અસર પૂરી થવા આવી છે અને આ લો પ્રેશર સિસ્ટમની ગુજરાતમાં જેવી અસર જોવા મળી છે એવી અસર આવનારી લો પ્રેશર સિસ્ટમની નથી જણાતી, કારણ કે આ જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે એનો રસ્તો ઉત્તર મધ્ય ભારત બાજુ થોડોક વધારે રહેલ છે। આ લો પ્રેશર સિસ્ટમ સીધો ગુજરાતને અસર કરશે એવું નથી જણાતું, પણ હાલમાં જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ નબળી પડી છે અને એના પછી આવનારી જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે એ બંને ભેગી થશે અને એની સાથે અરબી સમુદ્રના ભેજવાળા પવનો મળવાથી તે એક મજબૂત સિસ્ટમ બની શકે છે અને ગુજરાતમાં વધારે અસર કરી શકે છે। જો ગુજરાત સુધી આવતા લો પ્રેશર સિસ્ટમ મજબૂત અવસ્થામાં હશે
तो मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात अने कच्छ में सौथी वधारे वरसाद जोवा मळी शके छे। आ नवी सिस्टम की असर 13-14 तारीख थी शुरू थई शके छे, जो कि त्यार सुधी राज्य में छूटो छवायो वरसाद चालू रहेशे। अहींया बधा मित्रों ने एक बात की खास नोंध लेवी कि वेधर चार्टना अनुसार आ एक अनुमान छे, कुदरती परिबड़ों कारण आगाही में फेरफार थई शके छे, माटे खेतीना कामों माटे हवामान विभाग की वेबसाइट ने अनुसरवो। हवामान विभागे आगामी 5 दिवसों सुधी सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, कच्छ अने मध्य गुजरातना केटलाक विस्तारों में भारे थी अति भारे वरसादनी आगाही आपी छे। गुजरात में आज थी आगामी 4-5 दिवसों सुधी वरसादी माहौल यथावत रहेशे। बे लो प्रेशर सक्रिय थवाना लीधे आगाही करवामां आवी छे। हवामान विभागे एक अमदावादमां सामान्य वरसादनी आगाही जणावी छे। गुजरातनी नजीकमां बे वरसादी सिस्टम सक्रिय होवाना लीधे गुजरातमां सारा वरसादनी शक्यताओ व्यक्त करवामां आवी छे। आगाहीना पगले राज्यमां 8 एनडीआरएफनी टीमोने अलग अलग विस्तारोमां तैनात करवामां आवी छे। राज्यमां 15-16 तारीख सुधी वरसादी माहौल यथावत रहेशे अने 14 तारीख पछी वरसादनुं जोर वधशे। गुजरातना जाणीता एवा हवामान शास्त्री अंबालाल पटेल पण पोतानी आगाही जणावी चूक्या छे। एमनी आगाही अनुसार पण आगामी 2-3 दिवसों सुधी गुजरातमां वरसादी माहौल यथावत रहेशे अने 14 तारीख पछी वरसादनुं जोर वधी शके छे। तो मित्रों, आजना आ वीडियो में आपणे बंगाळनी खाड़ी में जे नवी लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय बनवानी शुरू थई छे ए केवी रीते आगळ वधशे अने गुजरात में आनु केवुं असर थशे एना उपर खूब ज विस्तारपूर्वक वात करी छे। तो मित्रों, आना उपर तमारो शुं अभिप्राय छे अमने नीचे कमेंट करीने जणाववा खास विनंती। मित्रों, वीडियो बनावामां घणो समय लाग्यो छे, माटे आ वीडियोना बदले अमे तमारा पासेथी एक लाइक अने एक शेरनी आशा जरूर राखीए छीए, कारण के तमारी एक लाइक अने एक शेर अमने आवा जानकारी सभर वीडियो बनावानी प्रेरणा आपे छे। माटे जो आ वीडियो तमने पसंद आव्यो होय तो वीडियो ने लाइक करी अने तमारा मित्रों अने परिजनों साथे शेर करवा खास विनंती। अने जो तमे अमारा गुजराती दुनिया नामना यूट्यूब चेनल उपर पहली वार आव्या छो तो हमणा ज आ चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। सब्सक्राइब कर्या बाद बाजूमां जे बेल आइकन जे घंटड़ीनुं निशान आवे एने दबावी नाखजो, जेनाथी अमारा दरेक वीडियोनी माहिती तमने नोटिफिकेशनना माध्यमथी मळती रहे। आखो वीडियो जोवा बदल आभार। हवे आपणे मळीशुं एक आवाज नवा जाणकारी सभर वीडियोमां। धन्यवाद।